जरूरतमंदों को रोजाना 2000 खाने के पैकेट बांट रहे हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ऑल इंडिया फिल्म एम्प्लॉय कॉन्फेडरेशन से जुड़े डेली वेज वर्कर्स के 1,00,000 परिवारों को महीने भर का राशन दे रहे हैं। इस बात की जानकारी देते हुए अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा है, 2000 खाने के पैकेट्स लंच और डिनर के लिए शहर की अलग अलग जगहों पर हर रोज बांटे जा रहे हैं। 3000 बड़े बैग्स को पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। इससे लगभग 12,000 लोगों का पेट भरेगा। 25 करोड़ दान करने के बाद अक्षय कुमार ने फिर बढ़ाए मदद के हाथ। बीएमसी को डोनेट किए 3 करोड़ रुपए। अक्षय ने ये दान पीपीई मास्क और कोरोना टेस्टिंग किट के लिए दिया है। शबे बारात पर भी लोगों ने नहीं तोड़ा लॉकडाउन। सलमान खान ने तस्वीरें शेयर कर लिखा एक खास मैसेज। ये तस्वीर खाली पड़ी सड़कों की है जहां लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उन्होंने 2 तस्वीरें शेयर की है। एक तस्वीर कब्रिस्तान के बाहर की है। सलमान ने कैप्शन में लिखा, वाह, देश के लोग इन हालातों को समझने और बात मानने के लिए शुक्रिया। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे। भारत कोरोना से लड़ेगा। एक्टिंग छोड़ नर्स बनी शाहरुख खान के साथ काम कर चुकी शिखा मल्होत्रा। इसकी जानकारी दुनिया को कटरीना कैफ से मिली। शिखा शाहरुख खान की फिल्म फैन में काम कर चुकी है। कटरीना ने शिखा मल्होत्रा के अस्पताल की एक तस्वीर इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की और लिखा, असली जिंदगी का हीरो। लॉकडाउन की वजह से वीडियो कॉल के जरिए पापा सलीम खान से बात कर रहे हैं सलमान। सलीम खान ने मुंबई मिरर को बताया कि लॉकडाउन रहने तक सलमान खान उनके पास नहीं जा सकते। जब भी चीजें बेहतर और संतुलित होगी तब वो घर लौटेंगे। सलीम ने कहा कि सलमान पनवेल के फार्म हाउस में सुरक्षित है और वीडियो कॉल्स पर बातें कर रहे हैं। सलमान लंबे वक्त से पनवेल के अपने फार्म हाउस में फंसे हुए हैं। द फॉरएवर खूबसूरत सारा अली खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक करंट और थ्रोबैक फोटो शेयर की जिसे कई लोग लाइक कर रहे हैं। घोड़े के साथ पत्तों का नाश्ता करते नजर आए सलमान खान। इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर बोले, प्यार के साथ ब्रेकफास्ट। सोनम कपूर ने मसक अली 2.0 पर इंडायरेक्टली निशाना साधा है। इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए ओरिजिनल गाने से अपना लुक शेयर करते हुए एआर रहमान और डेली सिक्स मेकर्स का किया शुक्रिया। अपने पोस्ट में ये क्लियर किया कि ओरिजिनल ही ओरिजिनल होता है। करण जौहर का एक और टूडल वीडियो आया सामने। इसमें वो अपने बच्चों से सलाह ले रहे हैं कि वो क्या खाए। What you are eating, Yash? Everyone's complaining you're only eating save. You're eating potato chips. Achha, okay. And what are you eating? Potato chips. And spicy. And what are you? I hope you're not eating any potato chips. No, I might look like one, but I'm having a salami sandwich. All right, okay. That's very elegant of you. And what are you going to eat for dinner today? Huh? Chicken. Chicken you're going to eat, huh? And you? Roti. You're going to eat? Broccoli you're going to eat. Wow, wow, wow. Mera healthy bachcha broccoli khayega. And what do you think Dada should eat for dinner? French fries. I should eat French fries? That's the last thing I should be eating. Say no to carbohydrates for me, but it's absolutely okay for you. Say toodles. Toodles. कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने ट्विटर को बताया एंटी नेशनल। पूछा, पीएम मोदी को गाली देने वालों के अकाउंट क्यों नहीं करते ब्लॉक। दरअसल ट्विटर ने उनका अकाउंट सस्पेंड करने की वार्निंग दी है। इसी बात का जवाब रंगोली ने ट्विटर पर दिया।